और हम तो जो बोल रहे हैं वो गारंटी के साथ कह रहे हैं हमने दस गारंटियां जो दी है उसको पूरा करेंगे इस क्षेत्र में अपने लेवल पर भी मैं कुछ चीजें अलग कर रहा हूं वो भी करेंगे बीजेपी जनता के लिए नहीं सोचती बीजेपी किसानों के लिए नहीं सोचती बीजेपी नौजवानों के लिए नहीं सोचती बीजेपी एंप्लॉयज के लिए नहीं सोचती बीजेपी बागवानों के लिए नहीं सोचती बीजेपी ट्रेडर्स के लिए नहीं सोचती बीजेपी माइनॉरिटी के लिए नहीं सोचती बीजेपी सिर्फ अपने चाटुकार आठ दस पंद्रह जो इनके बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र के घराने हैं उनके लिए सोचती और अपने लिए सोचती इसके अलावा कुछ किसी को नहीं सोचता स्वास्थ्य सेवाएं हमारी ठप पड़ी हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ख़त्म हो रहे हैं स्कूल बंद पड़े हैं बिल्डिंग्स है नहीं है बिजली हमारे आती नहीं है नकली छठ के का एक इन्होंने इनागोरेशन किया जिस दिन से वो किया है आनंद फानन में उस दिन से यहाँ बिजली गुल हो गई है हिमाचल विधानसभा चुनावों में दो तीन दिन ही रह गए हैं क्योंकि उसके बाद जो है प्रचार बंद हो जाएगा और 12 तारीख को मतदान होना है ऐसे में हिमाचल में हॉट सीट कहे जाने वाले चौपाल विधानसभा क्षेत्र में है यहाँ से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं रजनीश किमटा जी हमारे साथ हैं सर बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल टुडे में किस तरह का रिस्पॉन्स लोगों का मिल रहा है क्या मांगे हैं देखिए जी रिस्पॉन्स बहुत ओवरवेलमिंग मिल रहा है लोग बहुत खुशी के साथ हमारे साथ चल रहे हैं जुड़ रहे हैं आप देख रहे हैं आप तो इतने इंटीरियर में खुद आ गई हैं युवा हैं महिलाएं हैं बुज़ुर्ग हैं और हमारा जो माइनॉरिटीज़ हैं सब हमारे साथ हैं और लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं लोग कह रहे हैं पिछले 20 सालों में इनका किसी भी समस्या का समाधान जो है वो जो यहाँ का नेतृत्व था या पूरा पहले वाला नेतृत्व था उन्होंने नहीं किया है अभी भी आप यहाँ देखिए गांव में पूछिए पानी के लिए राही माम बचा हुआ है आप बाइट लीजिए लोगों की अगर इतने बड़े गांव में इतनी बड़ी पंचायत में पानी नहीं है और ये हमारा जो टाउन जो हमारा टाउन है बहुत बड़ा कमर्शियल टाउन है नेरवा उसके साथ की लगती ये पंचायत है तो आप देख लीजिए कि क्या हालत की हुई है जो आज तक के हमारे ये विधायक या पूर्व विधायक थे एक तो जो हमारे आज़ाद लड़ रहे हैं उनका घर तो यहाँ से पाँच सात किलोमीटर की दूरी पे है वो अपने सामने की पंचायत में पानी नहीं दे सके स्वास्थ्य सेवाएं हमारी ठप पड़ी हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ख़त्म हो रहे हैं स्कूल बंद पड़े हैं बिल्डिंग्स है नहीं है बिजली हमारे आती नहीं है नकली छठ के वी का एक इन्होंने इनागोरेशन किया जिस दिन से वो किया है आनंद फानन में उस दिन से यहाँ बिजली गुल हो गई है हमारी मूलभूत जो सुविधाएं हैं ढांचा है पूरी तरीके से कोलेप्स हुआ हुआ है और हमें बहुत शर्म आती है कि हम किस तरीके का जीवन जी रहे हैं अगर हमारे पास ये मूल बुनियादी चीजें भी हमारे पास नहीं है और 20-20 साल से ये जो रिप्रेजेंटेटिव थे कम से कम 18 साल तो ये पिछले 10 साल से तो ये इकट्ठे ही थे दोनों तो कुछ भी नहीं कर पाए जनता के सामने और जनता इनको बुरी तरीके से उखाड़ फेंकने के मूड में है कांग्रेस की गारंटियां या फिर बीजेपी का संकल्प पत्र आपने भी देखिए होगा घोषणा पत्र जो है महिलाओं पर ज्यादा फोकस किया गया है किस पर जनता लगता है ज्यादा विश्वास करेगी देखिए जनता ने तो कांग्रेस के गारंटियों पे विश्वास करना जो दी बीजेपी ने क्या दिया इनका एक बात बताइए अभी इनका संकल्प पत्र आ गया पिछला जो इनका मैनिफेस्टो था उसको निकाल के देखिए एक भी चीज इन्होंने नहीं पूरी की और हम तो जो बोल रहे हैं वो गारंटी के साथ कह रहे हैं हमने दस गारंटियां जो दी है उसको पूरा करेंगे इस क्षेत्र में अपने लेवल पे भी मैं कुछ चीज़ें अलग कर रहा हूं वो भी करेंगे बीजेपी जनता के लिए नहीं सोचती बीजेपी किसानों के लिए नहीं सोचती बीजेपी नौजवानों के लिए नहीं सोचती बीजेपी एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं सोचती बीजेपी बागवानों के लिए नहीं सोचती बीजेपी ट्रेडर्स के लिए नहीं सोचती बीजेपी माइनॉरिटी के लिए नहीं सोचती बीजेपी सिर्फ अपने चाटुकार आठ दस पंद्रह जो इनके बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र के घराने हैं उनके लिए सोचती और अपने लिए सोचती इसके अलावा कुछ किसी को नहीं सोचती अगर ये सोचती डबल इंजन की सरकार में हमारे पास ज़िला शिमला में दो एम थे एक शिमला में एक चौपाल में तो क्या ये ये हालत होती जो आप देख रही हैं? इसके अलावा बात करें जिस तरह से सभी की नजरें हैं इस विधानसभा सीट पर वैसे और भी सीटें हैं लेकिन ये हॉट सीट कही जाने वाली कितनी चुनौती आपको लगता है कांग्रेस के लिए भी है और दूसरा इसलिए आ, पूछ रही हूँ क्योंकि वीरभद्र जी एक बड़ा नाम रहे हैं हिमाचल की राजनीति में और जा रहे होंगे तो लोगों का किस तरह का प्रभाव अभी भी देखने को मिल रहा है बिल्कुल आप ठीक कह रही है जो स्वर्गीय वी, राजा वीरभद्र सिंह जी थे उन्होंने ही जितना विकास है चौपाल में उनके द्वारा ही हुआ है उनका एक अपना विजन था उनकी अपने लोगों के बीच उनकी एक पकड़ थी पल्स जानते थे वो जनता की कि कहाँ पे क्या जरूरत है क्या काम करने है जो भी डेवलपमेंट चौपाल में हुई है पिछले 20 सालों में लोग बोलते हैं खुद मैं नहीं बोल रहा हूं, सब राजा साहब ने करवाई है लोग खुद उनके पास जाते थे ये जो हमारे भी प्रेजेंट के एम पूर्व के एम हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका उन्होंने विरोध किया उसके बावजूद भी वीरभद्र जी ने वो दी तो जनता के तो वो मसीहा थे ये लोग तो समझ ही नहीं पाए किसी चीज़ को और उनकी कमी तो हमेशा हमारे को खलती रहेगी पर जिस हिसाब से लोग उनको आज याद करके उनके नाम पे भी बोल रहे हैं कि नहीं हमने राजा साहब को भी श्रद्धांजलि देनी नहीं। है।, नहीं। है तो आप देख रहे हैं हमारा हम टू थर्ड नहीं तीन चौथाही बहुमत से हिमाचल में सरकार बनाएंगे और यहाँ से भी हम दस हजार से ज्यादा मार्जिन से सीट जीतने जा रहे हैं कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं पूरे हिमाचल में नियर अबाउट फिफ्टी पचास के आसपासन की जरूरत नहीं पड़ेगी कहेगा गठबंधन जी इनका इनका तो हमने बांध के इनका बंधन करना निकालना है बीजेपी वालों को थैंक थैंक यू यू बिल्कुल तो ये थे हमारे साथ रजनीश किमटा जिन्होंने कहा कि जो विकास अभी तक किया गया है वो किसी भी काम का नहीं रहा और जिस तरह से राजा वीरभद्र ने यहाँ पे काम किए हैं लोग अभी भी उनको याद करते हैं और उनके ही मार्गदर्शन पर चलकर वो यहाँ पर काम करेंगे देखना ये होगा कि आखिर चौपाल की जनता किसे चुनती है कैमरा पर्सन राकेश के साथ पूजा वर्मा हिमाचल टुडे चौपाल